वेलकम टू मॉम्स किचन। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं भोग की खिचड़ी। इसके लिए जो साधन की हमको रिक्वायरमेंट है, चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप आधा किलो चावल ले लें और उसको पानी में अच्छे से वॉश कर लें इस तरह। और साथ ही में आप ले लें मूंग की दाल, जो आप पहले ड्राई रोस्ट कर लेंगे, मतलब कढ़ाई बैठा लें पहले, और सूखी कढ़ाई में ही आप मूंग दाल को बहुत अच्छे से फ्राई कर लें इस तरह से, मतलब भून लें। उसके बाद पानी में इसको वॉश कर लें ठंडा होने के बाद। साथ में आपको चाहिए मटर के दाने, ये आप फ्रोजन भी ले सकते हैं और मार्केट में जो अभी फ्रेश मटर आ रहे हैं वो भी ले सकते हैं। कुछ हरी मिर्चें टुकड़े में कटे हुए, आलू जो मैंने बोल्ट साइज में इस तरह से काट लिए हैं, आप भी इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े में काटें वरना छोटे करेंगे तो वो पिघल जाएंगे। इसी तरह से जो गोभी है आपकी फूल गोभी, उसको भी ऐसे बड़े बड़े टुकड़े में आप ले लें। साथ में आपको चाहिए सरसों तेल, सरसों तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा इसको बनाने के लिए। तड़के के लिए आपको जीरा, साबुत जीरा करीब 2 से 3 चम्मच, 7 से 8 आपके तेज पत्ते और सूखी लाल मिर्च करीब 10 से 15। साथ में आपको लगेंगे 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, घी और ड्राई पाउडर में आपको लगेगा नमक, मिर्ची, हल्दी और जीरा पाउडर, जीरा पाउडर करीब 2 से 3 चम्मच। चलिए बनाना शुरू करते हैं भोग वाली खिचड़ी। करते हैं बनाना, पहले गैस जला लें और थोड़ा सा बड़ा सा कोई बर्तन ले लें, थोड़ा सा मोटे तले वाली हो तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से जैसे ये मेरा मैंने बड़ा सा एक भगोना बिठाया है इस तरह से। चलिए जैसे ये भगोना थोड़ा सा गर्म होगा, इसके अंदर हम लोग डाल देंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल ऐड कर ले, सरसों का तेल जैसे ही गर्म होगा उसके बाद हम लोग इस पे ऐड कर देंगे जो हमारे तड़के के लिए हमने तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च और जीरा रखा हुआ था उसको, और उसको क्रैकल आउट होने देंगे। जैसे अच्छे से वो क्रैकल करेगा उसके बाद हम लोग बाकी का प्रोसेस करेंगे। चलिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम लोग इसमें डाल देंगे सूखी लाल मिर्च, जैसे सूखी लाल मिर्च हल्की सी भून जाएगी इसमें ऐड कर देंगे हम लोग जीरा और तेज पत्ता, इसको कटेंगे अच्छे से मिला लें। आप डाल दें जो भिगा हुआ मूंग दाल था आपका, जिसको आपने पहले ड्राई भून लिया था, उसके बाद आपने पानी में धोकर रखा हुआ है, उसको आप मिला लें। साथ ही साथ डाल दें चावल, भिगे हुए जो चावल हैं आपके वो, और अच्छे से मिला। अच्छे से इसको थोड़ा सा 2-1 मिनट के लिए आप इसको चला लें। और इसमें आप डाल दें पानी, करीब 3 से 4 मग आप पानी डाल दें इसमें। देख सकते हैं मैंने कितना सारा पानी डाला है इसमें। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे जो आपके पास हल्दी थी वो हल्दी, साथ में नमक, और फिर इसको मिला लें और इसको ढक दें जब तक ये अच्छे से
बॉईल आ जाए इसमें और चावल थोड़ा नरम बनने लगे, उससे थोड़ा पहले तक का आपको इसको पकाना है। इसको छानने दीजिए, ढक दीजिए। देखिए चावल अब पानी अब गर्म हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे आप जैसे पानी गर्म हो जाए पूरा छानने के पहले ही आप आलू जो टुकड़े में कटे हुए थे उसको इसके अंदर डाल दें। साथ ही में जो हरी मिर्च और मटर रखे हुए थे वो सब इसके अंदर ऐड कर दें। इसके साथ साथ मिर्ची पाउडर और जीरा पाउडर, नमक, सब बाकी जो बचा हुआ था ड्राई मसाला वो सब चीज डाल के अच्छे से इसको मिला दें और फिर इसको पकने के लिए छोड़ दें। बीच बीच में हिलाते रहिएगा। देखिए आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से पक चुका है, चावल भी अब नरम पड़ने लगे हैं। देखिए अब इसमें देखिए ये थोड़ा सा गाढ़ा होते जा रहा है तो इसकी थोड़ा सा और पानी की आवश्यकता है, तो और थोड़ा सा पानी हम लोग डाल देंगे क्योंकि अब इसके अंदर हम लोग गोभी भी डालेंगे तो गोभी को भी पकने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। गोभी पहले मत डालिएगा, इसी स्टेज पर डालिए जब चावल अच्छी नरम पड़ जाए थोड़ा सा, क्योंकि पहले अगर आप गोभी डाल देंगे तो गोभी कुकिंग टाइम बहुत कम लेता है तो वो बिल्कुल चावल में मिल जाएगी। देख सकते हैं अपनी कंसिस्टेंसी, ये थोड़ा सा और पकने वाला है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे इस स्टेज पे जो कटे हुए गोभी थे वो, और अच्छे से मिला देंगे। अब इसको हम लोग छोड़ देंगे थोड़े देर के लिए ढक के, और जो गैस का जो आपका स्टीम है उसको थोड़ा सा सिम कर देंगे। इस कारण से क्योंकि ये भाप में थोड़ी देर पकने की ज़रूरत है, तो पकेगा तभी गोभी आपकी नरम पड़ेगी। देखिए अब गोभी भी 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे जो आपका अदरक का पेस्ट था वो, करीब 2 बड़े चम्मच, और इसको मिला लेंगे। साथ ही साथ हम लोग डाल देंगे जो देसी घी आप रखे हुए थे हमने, तो आप वो डाल दें। आप देसी घी अगर नहीं भी है तो नॉर्मल घी जो मार्केट में मिलता है वो अभी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें घी डाल दें। इसको मिला लें। आपकी भोग की खिचड़ी बनके तैयार है। अब इसको निकाल के आप परोस लें। इसे आप निकाल लें मन चाहे बर्तन पे और इसको सर्व करें गरम गरम। आप इसको सर्व कर सकते हैं भाटा जो ब्रिंजल होता है, भाटा फ्राई और टमाटर की मीठी चटनी के साथ। लीजिए बनके तैयार है आपकी भोग की खिचड़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।